हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को तत्काल टिकट से रिलेटेड कुछ बताने वाला हूं। जो दोस्तों अगर आप भी कोई IRCTC का एजेंट या कोई काउंटर पे जो लोग दलाल वगैरह होते हैं या कोई जो भी एजेंट होते हैं, तो उन लोगों से अगर आप भी कंफर्म तत्काल टिकट या प्रीमियम तत्काल टिकट बुकिंग करवाना चाहते हैं या उन लोगों से कंफर्म टिकट लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि आप लोग कुछ बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि सेम एक ऐसा ही एक एजेंट के थ्रू एक मतलब हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक टिकट बुकिंग करवाया है, ठीक है। तो जैसे कि आप व्हाट्सएप में देख पा रहे हैं कि मैं आपको एक व्हाट्सएप का जो मतलब जो बात हुआ है व्हाट्सएप के द्वारा, व्हाट्सएप चैट में आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि ये भी जो थे ये एक दलाल के थ्रू एक एजेंट IRCTC एजेंट के थ्रू एजेंट करवाए दलाल से, कंफर्म टिकट करवा तो दिया। लेकिन आप ज़रा इस मैसेज को गौर से देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सर मैं एक एजेंट को तत्काल में टिकट बुकिंग करने के लिए बोला था तत्काल में, लेकिन वो मेरे को प्रीमियम तत्काल बुकिंग करके दिया है और वो भी मेरा नाम से नहीं है, क्या करूं। वो मुझसे पैसा भी ले चुका है 4000, ठीक है। मेरे नेम संजय कुमार चौधरी और मेरा एज 50 साल है, गोरखपुर से NDLS जाना है। मतलब ये जो मतलब जो सब्सक्राइबर है इनका नाम संजय कुमार चौधरी है और ये इनका उम्र 50 साल है, गोरखपुर से न्यू दिल्ली इनको जाना है, जिसका 4000 रुपया वो मतलब एजेंट इनसे लिया है, ये ऐसा कुछ मैसेज किए, ठीक है। और ये बोलना ये चाहते हैं कि इनका नाम संजय कुमार चौधरी है लेकिन इनके नाम से बुकिंग नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए, इन्होंने मेरे को टिकट का PDF भी भेजा, जो कि मैं PDF को ऑन करके आप सभी को दिखा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों ये बैक डेट का है, लेकिन मैं जानबूझ के थोड़ा लेट से ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपका गोरखपुर से वो बोले थे न्यू दिल्ली का टिकट, तो ये गोरखपुर से न्यू दिल्ली का ही टिकट है, ठीक है, प्रीमियम तत्काल टिकट। देखिए, वो तत्काल बोले थे लेकिन एजेंट इनको प्रीमियम तत्काल टिकट बना के दिया है, ये देखिए प्रीमियम तत्काल लिखा हुआ है। और उनका नाम था संजय कुमार चौधरी, SANJ, देखिए इसमें क्या दिया है, संजय कुमार चौबे, SANJEY, मतलब JEY मैंने संजय का स्पेलिंग भी गलत है, दूसरा नंबर कुमार चौबे, वहाँ चौधरी था यहाँ चौबे है। तो देखिए, हम जहाँ तक आप सभी को पता होगा कि एजेंट लोग वेटिंग टिकट को जैसे तैसे कंफर्म करवा के दे देते थे जिसके तिसके नाम से, लेकिन अब ये तत्काल और प्रीमियम तत्काल में भी ये जो भी मतलब आप गड़बड़ी देख रहे हैं कि अब ये तत्काल में भी आ चुका है, ये किसी और के नाम से टिकट बुकिंग करवा कर किसी और के नाम से इशू कर देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये AC का टिकट है, जैसे कि CNF B8 में 4 नंबर मतलब लोअर बर्थ मिला हुआ है, 3rd AC का ये टिकट है प्रीमियम तत्काल में, तो कस्टमर से 4000 रुपये चार्ज किया गया, जो कि 3463 रुपये फिलहाल, फिर भी मतलब 600-700 रुपये एक्स्ट्रा लिया गया है, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं लिया गया है। एक्चुअली बात यह है कि वो एजेंट तत्काल का चार्ज लिया था, लेकिन वो उसको अगर मतलब नॉर्मल तत्काल टिकट नहीं मिला होगा तो अगला प्रीमियम तत्काल जहाँ से अरेंजमेंट करा के पैसेंजर को दे चुका है। तो दोस्तों मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सभी को इस लफड़ा से बचना है तो जिस भी एजेंट को जिस भी दलाल को अगर आप पकड़ रहे हैं तो उसको एडवांस या पूरा फुल पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उस एजेंट से आप टिकट बुकिंग करवाते भी हैं तो उसको 150-200 ही एडवांस करें, उससे ज़्यादा आपको एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है। और बाद बाकी आप टिकट लेने के बाद जो भी आप लोगों का डील होता है वो आप कन्फर्म कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही आप लोग भी फंस सकते हैं कि आप तो पहले ही पेमेंट कर दिए टिकट के लिए। बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनको टिकट से मतलब होता है, कंफर्म टिकट से, वो लोग क्या करते हैं कि ऑलरेडी पहले से किसी को पेमेंट फुल पेमेंट कर देते हैं ताकि भैया मेरे को टिकट से मतलब है, मेरे को कंफर्म टिकट से मतलब है। तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे में अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आपको TT पेनल्टी भी लगा सकता है, क्योंकि आपका नाम देखिए हल्का सा भी टाइटल चेंज होता है तो वो इंसान चेंज हो जाता है। जैसे कि आप संजय कुमार चौधरी था, इसमें संजय कुमार चौबे है, वो भी संजय में स्पेलिंग मिस्टेक है, SANJEY है, संजी है, संजय कुमार चौबे है, उसमें चौधरी था, ठीक है, जो कि वो पैसेंजर का नाम चौधरी था। तो इसमें पूरा पार्टी का नाम ही, पैसेंजर का नाम ही पूरा चेंज हो चुका है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी एजेंट से जिस भी दलाल के थ्रू अगर आप लोग टिकट बुकिंग करवाते हैं तो उससे पहले ही आप लोगों को अच्छे से बात कर लेना है। भले ही हम TT को फाइन देकर ट्रेन में ट्रेवल करेंगे, लेकिन मतलब गलत टिकट लेकर ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आप ट्रेवल भी नहीं कर सकते, आपको ट्रेन से उतारा भी जा सकता है, ठीक है। तो सो आई होप कि आप सभी को मेरा एक छोटा सा जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा अगला वीडियो ऐसे ही आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे।